हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक फ्रूट के साथ आई हूँ। ये हमारा कचरी फ्रूट है, इसे हमारे इधर भी सेंध भी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर बताना। और ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है और पेट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और शुगर वालों के लिए तो एक रामबान फल है। ये देखो, ये देखने में कितना अच्छा लगता है। ये देखो, ये खेतों में अपने आप ही हो जाता है, इसे बोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी सोंधी सोंधी महक अगर हमारे घर में आ जाती है तो एकदम ही घर में इसकी खुशबू से पता चल जाता है कि ये हमारे घर में सेंध आई हुई है। चलो हम आपके इसके चाट बनाकर दिखाएंगे। मैं इसे कट करने जा रही हूँ। इसे इस तरह से कट कर लें। देखो दोस्तों, इसमें ये अंदर इसमें बीज हैं। ये कुछ लोग इसे बीजों को भी खाना बहुत ही अच्छा होता है, इसके बीज पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, पर मैं बीजों को निकाल कर ही चाट बनाऊंगी। इस तरह से निकाल दूंगी। बड़ी आसानी से ये निकल जाते हैं, इनमें कोई करना नहीं पड़ता। ये बहुत ही आराम से एकदम साथ इस तरह से निकल जाएंगे। देखो दोस्तों, अब मैं इसे थोड़ा छील देती हूँ ऊपर से इसका छिलका। अगर आप खा सकते हैं इसके बीज तो ज़रूर खाएं। और इसका स्वाद खट्टा, हल्का सा मीठा, इस तरह का होता है, पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। और ये मौसम का फल है हमारा, जो मौसम का फल होता है वो, और ये सबसे सस्ता है। ये इसे कोई भी खा सकते हैं, महंगे फलों में से नहीं है, और इसके बहुत ही फायदे हैं। इस तरह से मैंने इसे छील लिया है। इसे पीछे से भी अच्छी तरह से छील लें। इस तरह से अब मैं इसे बीच में से कट करके, अब मैं यहाँ दूसरा बाउल लेकर कट करूँगी इसे। पहले मैंने बाउल दिखा दिया, मैंने लिया है थोड़ा चाट मसाला, और यहाँ मैंने काला नमक, जीरा, और इसमें पुदीना, हींग, सब चीज़ डला हुआ। ये घर का मसाला है हमारा, जो खाने में बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ लिया है मैंने आधा नींबू। अब मैं इसके कचरी के टुकड़े करूंगी, इस तरह छोटे छोटे। दोस्तों ये पेट के लिए भी अच्छा है, और बच्चे जो खाते नहीं हैं इस तरह से इसे खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं चाट मसाला डाल दूंगी इसमें, मैंने काट लिया था। इसके साथ ही मैं डालूंगी अपना ये मसाला, स्वाद अनुसार डाल लें आप। फिर इसके बाद मैं थोड़ा नींबू डालूंगी, थोड़ा इसका बीज निकाल लूंगी, और इस तरह से इसका स्वाद भी और बढ़ जाता है। ये बहुत ही लाभकारी होता है दोस्तों। अब इस तरह से ये हमारी चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसे फोक की सहायता से सारे चीज़ों को इन्हें मिक्स कर दूंगी। ये अब हमारा मिक्स हो गया है। अब मैं इसे दूसरे बाउल में कर लूंगी सर्व करने के लिए। मिक्स होकर तैयार है ये हमारा, दूसरे बाउल में कर लूँगी। दोस्तों ये गर्मी में सीज़न में बहुत अच्छी तरह से आसानी से मिल जाता है, इसे ज़रूर खाएं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।